ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مَرِيجٍ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

हाकिम है रज़ है और दरुद साम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्लास पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह के नबी सल्ला के आखिरी नबी हैं आपके बाद अब कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा आपका मकाम व मरतबा सबसे आला अली अरफा है हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें बल्कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है आज के खुतब जुमा में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलम का मुकाम व मरतबा आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि ये वाजे हो सके कि आप दुनिया के सबसे अफजल तरीन इंसान हैं इसलिए तमाम इंसानों को आपसे मोहब्बत करना ज़रूरी और वाजिब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वम के मकाम और आपके फजाइल कुरान हदीस में बहुत ज़्यादा हैं और जुम्मे के मुख्तर वक्त में तमाम का अता करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है अलबत् आप सल्लल्लाहु अलैहि वम के कुछ फजाइल और कुछ मक़ामे का जिक्र करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक हम तमाम को समझने की अमल करने की तौफ़ीक तोफ़ीकनायत फरमाए अल्लाह तबारक ताली ने कुरानी मजीद में फ़रमाया लक़दमन अल्लाह मिनीना इसबा सफ़ी हिम रसूल मिनानफुसिमय यतल आयाति व युक्की हम वयुअलमकिताब अबुलम वन कानूमिन कबलफ़ी ज़लोबेन अल्लाह तबारक व ताली ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया जबकि उन्हीं में से एक रसूल भेजा यानी रसूल का भेजना या अल्लाह की तरफ़ से बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला ने हज़ारों एहसाना किए हैं लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने एहसान का तस्करा नहीं किया कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया हमने तुमको पैदा किया हमने तुमको ज़िंदगी दी लेकिन नबी की बेसत को बतौर एहसान अल्लाह ने ज़िक्र किया इसलिए कि इंसान गुमराही के दहाने पर पहुँच चुका था लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे दुनिया में अल्लाह को छोड़ के हज़ारों बुतों की प्रस्तिश की जा रही थी खान कबा में तीन बुत रख दिए गए थे गरीब सताया जा रहा था औरतों की इसमतें लुट रहे थे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कुछ कुफर ने फितने फैलाए कुछ जुल्म ने शोले भड़काए सीनों में आदावत जाग उठी इंसान से इंसान टकराए पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने जब तम हद से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में भेजा तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा अलैहिम आयात ही जो अल्लाह की आयतें लोगों को पढ़कर सुनाता व व्युअमुल व हिम और उनका तजकिया करता है किताब अल हिकमा और उनको हिकमत की बातें बताता है व इनका लफ़ी क़ब्लफी मुबीन और इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है और अल्लाह की तरफ़ से बहुत बड़ा एहसान इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला जिस तरह तमाम इंसानों का जानवरों का पैदा करने वाला है पालने वाला है इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे अल्लाह ने अपने मुतालिक क्या फरमाया? फरमायाद् रब्बिल आलमीन हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है आलमीन सारे जहान का परवरदिगार और नबी के मुतालिक क्या फ़रमाया वमा अरसल्ला का आलमीन और हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा रब्बुल आलमीन है मोहम्मद रसोल सल्ला वसल् आलमीन आप सिर्फ़ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हैं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत चरिंदो परिंद के लिए यहाँ तक कि जानवरों के लिए कीड़ों और मकोड़ों के लिए इंसो जिन के लिए आप सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस से जिसने अपनी नस्बत को जोड़ लिया वो रहमतों और बरक़तों में पहुंच गया हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तह बयान करती हैं ये अल्लाह के नबी सल्लम की रज़ाई माँ हैं अरबों के दस्तूर के मुताबिक जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए देहात में भेज दिया जाता था वहाँ देहात की आबो हवा में वो उसका जिसम मजबूत हो जाता मैंने इससे पहले बताया है कि अपने बच्चों को बचपन से ही मज़बूत बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर भी एक देहात में भेजने का प्रोग्राम बनाया गया हलीमा सादिया बीबी दाई हलीमा जिनको कहते हैं कहती हैं कि हम लोग मक्का आए और बच्चों को गोद लेने के लिए कोशिशें की कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसके पास अल्लाह के रसूल को पेश न किया गया हो लेकिन हर एक ने ठुकरा दिया क्यों ठुकरा दिया इसलिए कि आप यतीम थे आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था तो कोई औरत नहीं लेना चाहती थी उसको मालूम था कि उजरत कम मिलेगी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तारा कहती हैं मैंने खुद अल्लाह के नबी नबीसम को इसलिए लिया इस बच्चे को इसलिए लिया कि मुझे कोई दूसरा बच्चा नहीं मिल सका था लेकिन जब मैं इस बच्चे को लेकर के अपने खेमे में आई तो मेरी वो ऊँटनी जिसका थन सूख चुका था जिसमें एक कतरा दूध नहीं निकलता था जब इस बच्चे को लेकर के मैं अपने खेमे में पहुंची मेरा शौहर ऊंटनी को दूहने के लिए गया तो देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है यह अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ात की बरकत है हलीमा सादिया सदिया ना कहती हैं कि मैं इस बच्चे को लेकर के सवार हुई तो आते वक्त मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रहती थी इसलिए कि ये नकाहत और कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकती लेकिन जब मैं इस बच्चे को लेकर सवार हुई तो मेरी ऊँटनी तेज़ रफ्तार हो गई और सबसे आगे निकल गई सारी ऊँटनियों को पीछे कर दिया यहाँ तक कि मेरी सहेलियों ने कहा कि अय हलीमा क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तू सवार होकर के मक्का आई थी कहती हैं हाँ ये येहू ऊनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने नस्बत को जोड़ लिया वो खैर बरकत का बाइस बन गया जैसा कि दाई हलीमा ने बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा ये है कि आपके दुश्मन भी आपको अमीन और सादिक कहते थे और किसी भी इंसान के लिए अगर दुश्मन गवाही दे दे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मक्का में कोई भी आदमी आपका नाम नहीं लेता कोई भी आपको मोहम्मद नहीं कहता था या सादिक, या अमीन कहते थे आप सल्लम की अमानत दारी और आपकी सदाकत मक्का के तमाम लोग तस्लीम करते थे बल्कि उससे आगे बढ़कर मैं ये कहूँ कि लोग आपकी नबूत का तो इनकार करते थे लेकिन आपकी सदाकत और अमानत दारी को तस्लीम करते थे तेरह साल नबी होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का लोगों ने इनकार किया लेकिन अमानत और सदाकत का हाल यह है कि लोग आपके पास अपनी अमानतें रखते और हिजरत के मौका पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तैयार हुए तो हज़रत अली को इस बात पर मुतन किया कि ये मक्का के काफिरों की अमानतें रखी हुई हैं मेरे चले जाने के बाद ये अमानतें उनको लौटा देना उसके बाद तुम भी मदीना आ जाना मुसलमान तो सारे मदीना जा चुके हैं ये अमानतें किसकी थीं? थी ये अमानतें मक्का के काफिरों की थी गरचे वो नबी की रसालत और नबूवत का इनकार करते थे लेकिन आपकी अमानत और सदाकत को तस्लीम करते थे अगर हम में से कोई शख्स होता तो सोचता कि मक्का से मदीना हिजरत करना है लोगों का माल भी हमारे पास है इसलिए चलिए साथ में इसको भी ले चलेंगे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजे गए आपको अपनी जान के साथ साथ मक्का के काफिरों की अमानतों की भी फिक्र लगी हुई है इसीलिए हरते अली रजील्ला को मुतय्यन किया कि कल सुबह ये अमानतें लोगों को वापस कर देना उसके बाद तुम भी मदीना आ जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि नबूवत से पहले भी मक्का के अंदर एक पत्थर था जब मैं उधर से गुजरता था तो वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ मैं जानता हूँ वो कौन सा पत्थर है मुख्तलिफ़ नबियों के मुख्तलिफ़ वाकयात आपने सुने होंगे हैत समान सलात वसलाम ने हद से गुफ्तगु की हैत सलेमान सलात वसलाम ने चूंटियों की बात को समझा लेकिन अल्लाह के नबी नबीम का मकाम और मर्तबा ये है कि पत्थर भी आपको सलाम करता था आप का वाक़ भी हमारे जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का के लोगों ने ये 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 शर्त रखी थी कि अगर चांद के दो टुकड़े हो जाएं तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपने सही के अंदर नकल किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुज शहादत उठाई अल्लाह से दुआ किया चाँद के दो टुकड़े हो गए एक फ़लाँ पहाड़ पर एक फ़लाँ पहाड़ पर सिर्फ़ मक्का के लोगों ने नहीं बल्कि दूसरों ने भी देखा अगर मक्का के लोग देखते तो ये कह सकते थे कि ये जादूगरी है लेकिन सफ़र से जो लोग वापस आए जो मुल्क शाम वगैरह तिजारत के लिए गए थे उन काफिलों से पूछा गया कि फ़लाँ रात को तुमने कोई मंजर देखा था तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने देखा था चाँद के दो टुकड़े हो गए थे एक इस सिमत हो गया था एक इस सिमत हो गया था मेरे भाइयों ये है हमारे नबी वसल्लम का मकाम व मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी रिफात और बुलंदी अता की आपको जो रिफात और बुलंदी मिली है किसी और इंसान को नहीं मिल सकी और अल्लाह तबारक तआला ने ख़ुद फ़रमाया व रफ़ा अन्य ज़िक्रक हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत हो रही है वो अल्लाह के नबी नबीसम हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपके मानने वाले और आपकी तारीफ़ करने वाले भी आप ही आप सबसे ज़्यादा हैं अल्लाह तबारक ने आपको रिफात और बुलंदी अता की आज दुश्मनों का एक बड़ा तबका है जो नबी करीम के अखलाक और किरदार को तस्लीम करता आप की रिफात और बुलंदी का हाल यह है कि मद्दाह रसूल हजरत हसान इबन साबित रज़ी अल्लाह तहते हैं वमिला तबारक वाली ने نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا मोजिद जब अजान देता है तो कहता है अशदुल्ल अला फौरन कहता है अशदअुल्ला मुहमदर रसूल्ला तबारक तआला ने अपने नाम के साथ नबी के नाम को मिला लिया नबी का मकाम व मर्तबा बहुत ऊँचा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह रिफात और बुलंदी अता की हम जब भी नमाज पढ़ते हैं नमाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं अल्लाम मसलअला मोहम्मद व अली मोहम्मद कमा सल तला इब्राहिम व अलाब्राहीम इनका हमदो मजिद ये नबी का मक़ाम है एक मामूली मुसलमान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है हम सोच नहीं सकते हैं और उससे बढ़कर मैं ये कहूँ कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप वसल्लम के अख्लाक पर आपके किरदार पर कोई उंगली उठाए ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता दुश्मनों को मालूम है कि लोग नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं इसलिए दुश्मन मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करता मेरे भाइयों हमें नबी से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह तबारक तआला ने आपका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद किया कोई भी इंसान जब ज़्यादा तरक्की कर जाता है उसको मकाम और मर्तबा मिल जाता है तो वो अखलाकी तौर पर मगरूर हो जाता कोई बड़े अहदे पर पहुंच जाता है तो छोटे लोगों को खातिर में नहीं लाता किसी को मकाम व मरतबा मिल जाता है तो अपने से कमतर लोगों को मामूली समझने लगता है लेकिन नबी का मामला ऐसा नहीं है नबी का मामला ऐसा है जिस कदर आपको रिफात और बुलंदी मिलती गई उसी कदर आप अंदर आजजी और खादसारी पैदा होती गई मशहूर हदीस अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे एक फ़रिश्ता आसमान से ज़मीन पर उतरता है हजरत जबरीलत वसलाम अल्लाह के नबीसम के पास मौजूद हैरत है जबरील ने कहा कि अः अल्लाह के रसूल ये फरिश्ता जो ज़मीन पर आ रहा है ये आपके पास दो बातें लेकर आ रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपको नबूत और रसालत के साथ साथ बादशाहत भी मिल जाए तो अल्लाह ताली देने के लिए तैयार है लेकिन अगर आप बादशाह नहीं बनना चाहते हैं सिर्फ नबूत और रिसालत के साथ साथ एक आम बंदा बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये भी आपको अख्तियार दिया गया वो फरिश्ता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का पैगाम पेश करता है हज़रत जिब्रील कहते हैं तवाज़ा तो रबी का अल्लाह के रसूल अपने रब के लिए तवाज़ो और खाकसारी अख्तियार कीजिए अल्लाह के, अल्ला के नबी नबीरम ने फरमाया मुझे बादशाहत नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि नबूत और रिसालत का हक अदा करूं और आम बंदा बनकर जिंदगी गुजारूं मेरे भाइयों कितनी बड़ी बात है लोग बादशाह बनने के लिए मामूली के लिए कितनी कोशिशें करते हैं यहां तक कि अपनी इज्जतों को भी नीलाम कर देते हैं लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बादशाहत और हुकूमत को ठुकराया कहा मुझे सिर्फ नबूत और रिसालत का की जिम्मेदारी दीजिए और आम बंदा बनकर मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ अल्लाह तबार को तला ने आपके अखलाक और किरदार की गवाही दी व इन न कालूकिन नज़ीम आप अखलाक के आला पैमाने पर फाइज किसी शख्स को परखने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई बड़ा उसके ताल्लुक से गवाही दे हमारे नबी के अख्लाक की गवाही खुद अल्लाह ने दी है वही न कल अलाक़िन नज़ीम आप अखलाक के अला पैमाने पर फाइज हैं और आप के अखलाक और किरदार पर अगर गुफ्तू की जाए तो इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए हमें ज़रा सी तरक्की मिल जाती है हमें ज़रा सा उहदा मिल जाता है हम आम लोगों से बात नहीं करना चाहते साहब कर राम कहते हैं कि एक नीम पागल औरत अल्लाह के नबी वसलम के पास आती आप से कुछ कहना चाहती आप उसकी बातों को बहुत गौर से सुनते थे पागल नीम पागल औरत की बातों को आप गौर से सुनते थे आपके बारे में आता है कि मदीने की खवातीन जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया या शहीद हो गए आप के पास आती थीं और कहती थीं कि अः अल्लाह के रसूल हमारे घर में कोई नहीं है बकरियों को दोहने वाला हमारी ऊंटनियों का दूध निकालने वाला अल्लाह के नबी वसलम उनके घर जा कर के उनकी बकरियों का उनकी ऊँटनियों का दूध निकाल देते थे खादिम रसूल अनस अनसिबिन मालिक रजी अल्लाह रजील्ला कहते हैं कि मैंने दस साल तक अल्लाह के नबी नबीसलम की खिदमत की दस साल पूरे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा कभी कभी कोई काम करने का हुक्म देते मैं भूल जाता आपने कभी नहीं डांटा कभी कभी कोई मैं गलती कर देता आपने कभी नहीं डांटा कि तुमने ये क्यों किया दस साल तक नबी की खिदमत करने के बावजूद मैं मुझे कभी डांटा डपटा नहीं गया आज हमारे साथ दो दिन तीन दिन कोई रहता है हमारी बदकिरदारियां और बद अखलाक से वो मुतनफिर हो जाता है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अखलाक व किरदार में सबसे आला थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह व तआला ने मेराज में बुलाया जन्नत और जहन्नम दिखलाई आप के आगे गए आपने रब से कलाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज नसीब हुई और वहाँ पर आपने अम्बिया की दौरान सफ़र मस्जिद अक्सा में तमाम अम्बिया की इमामत कराई ये अल्लाह के नबी ससरम का मकाम व मरतबा दुनिया में होते हुए किसी नबी को मराज नहीं नसीब हुआ किसी ने नहीं किया लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताली ने मेराज कराई जन्नत और जहन्नम का दीदार करवाया और ये कब कराया जब अल्लाह के नबी नबीम बहुत गमज़दा हो गए थे इसका पस मंज़र क्या है जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह जो अल्लाह के नबीस को हमेशा हिम्मत दिलाती थी, थी आप बाहर से मकमूम होकर के आते थे लोगों की ताने कर सुन करके लोगों की लोगों के इस्तीज़ा को बर्दाश्त करके आप आते थे और अम्मा खदीजा से बयान करते थे कि आज लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा कहा लोगों ने जलील करने की कोशिश की अम्मा खदीजा कहती थी अल्लाह के रसूल मेरे सरताज फिक्र ना करो अल्लाह आपको बहुत बुलंद करने वाला आपको हिम्मत देती थी घर में आपका पूरा साथ देती थी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको नेक बीविया नसीब फरमाए बीविया हमारी ताकत हैं खवातीन हमारा पावर हैं अगर घरों में इंसान को सुकून रहता है तो बाहर इंसान मेहनत और मशक्क़त करके काम कर सकता है लेकिन अगर घरों से इतमान ना हासिल हो तो आदमी कहीं भी रहेगा उसका दिल हमेशा घर में लगा रहेगा मेरे भाई जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तलाह के नबीसम को हिम्मत देती थी, 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 थी आप परेशान ना हों आप घबराएं नहीं अल्लाह ताला आपको ज़ाये नहीं करेगा वाला ही लाख खजीकल्लाह की कसम अल्लाह आपको रसुवा नहीं करेगा बीवियों की हिम्मत बहुत बड़ी हिम्मत हुआ करती है हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया अल्लाह के नबी ससरम बहुत परेशान हुए कुछ दिनों के बाद आपके दादा अब्दुल अब्दुलमतलब का भी इंतकाल हो गया ये सन आठ हिजरी की बात है दादा का भी इंतकाल हो गया जो बाहर आपका सपोर्ट करते थे और अब्दुल अब्दुलमतलब के होते हुए कोई नबी पर गलत निगाह नहीं डाल सकता था दादा का भी इंतकाल हो गया बीवी का भी इंतकाल हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल कह दिया बाहर सपोर्ट करने वाला था उसका भी इंतकाल हो गया अंदर हिम्मत देने वाली थी उसका भी इंतकाल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आमसन कहा गम का साल अल्लाह तबार को ने आपको मेराज कराई ताकि आपका ग़म दूर हो जाए इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान ग़मों में मुबला हो जाए तो उसको सैर वफरीह कर लेनी चाहिए क्यों इसलिए कि मुसलसल गमों में रहने की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता मायूस हो जाता है जगह बदलने से हालात बदलने से चेहरे बदलने से लोगों से मिलने से इंसान को हिम्मत और ताकत मिलती है अल्लाह तबारक वाली ने इसीलिए नबी वसल्लम को मेराज कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लु से अल्लाह तबारक वाली ने तमाम अंबिया से अहदोपमान लिया तमाम नबियों को कहा कि तुमको नबूत और इसालत से सरफराज किया गया है लेकिन अगर तुम्हारे दौरान तुम्हारी नबूवत के साल में उस दौरान मेरा आखिरी नबी आ जाए तो तुम उस नबी पर ईमान लाना तुम उसका सपोर्ट करना तुम उसकी तइद करना मेरे भाइयों मेरे ख्याल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में ये सबसे अहम आयत है नबियों से भी अल्लाह ताला ने तहदो पैमान लिया कि नबी के आने के बाद आखिरी नबी के आने के बाद वो अपनी नबुवत से दस्तबरदार होकर के नबी की नबुवत को तस्लीम करें आपके ऊपर ईमान लाएं आपका सपोर्ट करें और तमाम अम्बिया आपके ऊपर ईमान लाए तमाम ने कहा पैमान किया यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लऊबद मूसा अगर मूसा सलाम दोबारा दुनिया में आ जाए वह तबा तुम्हू हो और तुम लोग उनकी पैरवी करने लगो वह तरक तुम्हू नहीं और मुझे छोड़ दो लज़लल तुम अनसबा इस सबील, तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे यह नबी की सही हदीस है मूसा सलाम उलूलाजम पैगम्बर हैं लेकिन अगर वो दोबारा दुनिया में आ जाए तो हम उनकी पैरवी नहीं कर सकते हैं मूसा को भी अल्लाह के नबी वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी अगर नबी की नबी के होते हुए नबी की पैरवी करना हराम है जायज़ नहीं है तो बताइए कि नबी के कौल और नबी के अमल और नबी की हदीस की मौजूदगी में किसी इमाम के पीछे चलना कैसे दुरुस्त हो सकता मेरे भाइयों गौर करो सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं हमारे नबी के होते हुए किसी इमाम की बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। जब नबी के होते हुए नबी की नहीं चल सकती है तो किसी इमाम की क्या हैसियत और आपको मैं बता दूँ हैर तीसम ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए क़यामत के करीब दुनिया में आएँगे दज्जाल को कतल करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि हैरत ईसीम अल्लाह के नबी की शरीत पर अमल करेंगे वो अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की शरीयत पर अमल करेंगे इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताल आपको पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा इससे पहले जो नबी आते थे एक इलाके के लिए एक मुल्क के लिए एक ख़ानदान के लिए हुआ करते थे लेकिन अल्लाह के नबी सल अल्लाह आल को अल्लाह ताली ने पूरी इंसानियत के लिए नबी बना भेजा कुल या अय्यूअस कह दो अ लोगो इन्नी रसूल जमीया मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया और और दूसरे मकाम पर फरमाया का इल्ला वत का नासी बशीर नजीरा और हमने आपको पूरी दुनिया के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा पूरी इंसानियत के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा यानी आप किसी इलाके के लिए खास नहीं आप अरब के लिए ख़ास नहीं आप मक्का मदीना के लिए ख़ास नहीं आप हमारे लिए भी नबी हैं हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी नबी हैं हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी नबी आप सबके नबी हैं और हमारे ही नहीं मुसलमानों के ही नहीं गैर मुसलिमों के भी नबी हैं लेकिन ये तो अफसोस है कि उन लोगों ने नबी की नबूत को समझा नहीं नबी की नबूत को पढ़ा नहीं आप पूरी इंसानियत के लिए नबी हैं आप पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए यही नहीं बल्कि कयामत में भी आपका मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा होगा महशर का मैदान होगा लोग पसीने में शराबोर होंगे परेशान होंगे हज़रत आदम सलाम के पास जाएंगे हैरत नूसम के पास जाएंगे। हज़रत मूसअल्लाम के पास जाएंगे इब्राहिमस््लाम के पास जाएंगे ईसा अलीस्म के पास जाएंगे कहेंगे अल्लाह से अल्लाह से कहिए कि हमारा हिसाब व किताब लेने सिफ़ारिश कीजिए तमाम के तमाम अम्बिया इनकार कर देंगे आखिर में लोग हमारे नबी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा हिसाब व किताब ले लें इसको शफात कुबरा कहा जाता सारे नबियों ने इनकार किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम मिला आप अरशेलाहीही के पास जा के उसके नीचे सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह ताला कहेगा मोहम्मद उठाओ अपने सर को सवाल करो दिया जाएगा अल्लाह ताला कहेगा अल्लाह तेरे बंदे बहुत परेशान हैं तेरे बंदे बहुत परेशान हैं हिसाबों किताब ले ले जो जन्नती हैं उनको जन्नत में दाखिल कर दे जो जहन्नमी हैं उनको जहन्नम में दाखिल कर ये शफात कुबरा का हक़ किसको मिलेगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेवाउल हमद दिया जाएगा आप फरमाते हैं कि हमद का झंडा मेरे हाथ में दिया जाएगा क्या नबी क्या वली क्या अमीर क्या गरीब क्या छोटा क्या बड़ा क्या मर्द क्या औरत सारे लोग मेरे झंडे के नीचे आएंगे वाह अकबर आज लोग कहते हैं कि अल हदीसों का कोई इमाम नहीं है हम अपने इमामों के साथ जाएंगे मेरे भाइयों हदीस पढ़ो कुरान पढ़ो जज्बात में मत बहो एक ही झंडा होगा जिसको हमद कहा जाता है तमाम के तमाम अंबिया नबी के झंडे के नीचे रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलद आदम मैं तमाम वलद आदम का सरदार हूँ मेरे हाथ में अल्लाह ताला लेवाउल हमद देगा सारे के सारे लोग मेरे झंडे के नीचे आएंगे ये अल्लाह के वसल्लम की फजीलत है आप फरमाते हैं कि सबसे पहले जिसकी कब्र को खोला जाएगा जो अपनी कबर से बाहर निकलेगा मेरी कबर को खोला जाएगा मैं सबसे पहले बाहर निकलूंगा इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुझे हौज कौसर दिया जाएगा मैं अपनी उम्मतियों को पानी पिलाऊँगा जो एक बार हौज कौसर से पानी पी लेगा जब तक कि जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा उसको प्यास नहीं लगेगी अल्लाह हम सबको जाम कौसर नसीब फरमाए आप वसल्लम के रहमत और आपके ताल्लुक से इंसानों की तो बात छोड़िए जानवर भी समझते थे कि आप बहुत मेहरबान हैं वो मशहूर वाक़ है एक ऊंट अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आया और आपके कान में कुछ कहने लगा उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे आंखें अश्बबार थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है एक आदमी दौड़ते हुए आया कहा अल्लाह के रसूल क्या मामला है ये मेरा ऊंट है कहा यह ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम इसको खाना कम देते हो काम ज़्यादा लेते हो यानी ऊंट भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मरतबे को संभल समझता था और आपके पास शिकायत लेकर गया ये तो जानवर की बात हुई मेरे भाइयों ये लकड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं है ये सूखी हुई लकड़ी ये भी नबी के मकाम व मरतबे को समझती थी हदीस के अल्फाज हैं जब तक आपका मिंबर नहीं बनाया गया था आप लकड़ी के खजूर के एक तने पर टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे जब आपका जब आपका मिंबर तैयार हो गया तो ये खजूर का तना लकड़ी जिस पर आप टेक लगा कर खुतबा दिया करते थे इसको अलग कर दिया गया दौरान खुतबा साहब कराम कहते हैं अल्लाह के नबीसम ने वाजो नसीहत शुरू किया तो ये सूखी हुई लकड़ी बिलक बिलक कर रोने लगी बिलख बिलख कर रोने लगी साहबा कहते हैं हमने उसकी रोने की आवाज़ को सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर गए लकड़ी को लाया गया आपने उस लकड़ी पर अपना हाथ रखा वो लकड़ी बिलख बिलख कर सिसक-सिसक कर रो रही थी जिस तरीके से एक छोटा मासूम बच्चा रोता है फिर आपके हुक्म के मुताबिक आपके उस आशा को आपके मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया मेरे भाइयों यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक और बात बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि जुमा का वक्त बहुत मुख्तर होता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे दरवाज़ा खटखटाएँगे जन्नत का दरबार पूछेगा कौन हमारे नबी फरमाएंगे मोहम्मद मैं मोहम्मद हूँ जन्नत का दरबार दरवाज़ा खोलेगा कहेगा आइए आपका इस्तकबाल करेगा और वो जन्नत का दरबान क्या कहेगा कहेगा मुझे ये हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए मैं जन्नत का दरवाज़ा ना खोलूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे उसके बाद आम इंसान जन्नत में दाखिल होंगे मेरे भाइयों आपका मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपके मकाम और मर्तबे और आपके फजाइल को बयान करते करते लेकिन आपका मकाम और मर्तबा ख़त्म नहीं होगा मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें आपके सामने मैंने बयान की हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलो दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बैठा दे आपका मकाम और मरतबा समझने की अल्लाह हमें तो़ीक़ नायत फ़रमाए अल्लाह हम सब को वसल्लम से सच्ची महब्त करने की तोफ़ी नायत फ़रमा बिदात खुराफ़ात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना इनका अंत समी उलिम वतुबलैना इनका अनत तो रहीम बे राहमति का या और नामी